तो हे गाइस, कैसे हो सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम लोग खेलने जा रहे हैं पावर वॉच सिमुलेटर। तो गाइस, आज हम लोग पावर वॉच सिमुलेटर के अंदर करने वाले ओल्ड विंटेज कार को क्लीन। तो गाइस चलते इस कार के पास। हो रही रही गाइस अपनी कार। और गाइस इसको ये करते हम क्लीन करना स्टार्ट कर देते गाइस। और रही अपने एक प्यारी सी कार। अभी अभी तो नहीं लग रही गाइस, पर वॉश होने के बाद लगने वाली है। और ये गाइस एक ओल्ड विंटेज कार है, यानी कि अभी के टाइम पर गाइस ये कार नहीं मिलती, यानी कि ये बहुत पुराने ज़माने की। तो गाइस इसको ही यहाँ पे अभी क्लीन करना है। और गाइस ऐसी पड़ी रहने की वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी लग चुकी है। तो गाइस इसको ही गाइस हमें क्लीन करना है। तो करते इसको क्लीन करना स्टार्ट। और गाइस अपना ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है गाइस क्लीन करने का। और ये एड्स गाइस सारे बार बार आ जाते हैं, तो इनको तो इग्नोर करते हैं गाइस। और करते क्लीन करना स्टार्ट। और गाइस फ्रंट से स्टार्ट करते हुए क्लीन करना। और गाइस ये अपना फ्रंट बम्पर तो गाइस स्टार्ट हो चुका है क्लीन होना। तो इसको सबसे पहले करते हैं गाइस क्लीन। और मुझे अगर शायद से लग रहा है कि गाइस मुझे न्यू न्यू गन भी बाय करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मिट्टी है कि गाइस इस प्रेशर से तो निकलने नहीं वाली। इसके लिए ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा गाइस, शायद से हमें गन चाहिए। तो और उतने तो मेरे पास गाइस पैसे नहीं, पर देखते हैं गाइस क्या हो पाता है। और यहाँ पर टायर को भी क्लीन कर देते गाइस पूरी पूरी तरह। और टायर भी गाइस अपने क्लीन हो चुके हैं। अब गाइस ऊपर के हिस्से को सारे का सारा क्लीन कर देते हैं। और देखते हैं गाइस अभी हो पाती है या फिर नहीं कार अपनी। और ग्लासेस विंडोज़ को भी गाइस हमें क्लीन करना है। तो यहाँ पर गाइस बैक बम्पर भी अपना हो चुका है ऑलमोस्ट। और गाइस हो चुका है अपना ब्लैक बम्पर, बैक बम्पर गाइस बैक। और गाइस और क्या करना है हमें, और टायर्स करने गाइस। पर गाइस ये तो हो ही नहीं रहा है इससे क्लीन, तो शायद से मुझे गाइस अपनी लेनी पड़ सकती है अपनी न्यू गन। क्योंकि इसके साथ तो गाइस मुझे नहीं लग रहा है कि या इससे कुछ भी हो सकता है इस गन से। तो गाइस मुझे वो गन तो लेनी पड़ेगी शायद से। फिर भी गाइस ट्राई कर देखते हैं, अगर इससे निकला तो मुझे वो गन लेनी पड़नी नहीं वाली। अगर नहीं निकला तो गाइस मुझे वो गन लेनी पड़ेगी। अब देखते गाइस पैसे तो मेरे पास उतने शायद से नहीं होंगे, वो $3,000 के गाइस। और मेरे पास होंगे शायद से गाइस उतने डॉलर्स, पर देखते गाइस। और यहाँ पर थोड़ी सी गाइस क्लीन हुई है अपनी कार। और अपनी ब्लू कलर की कार है गाइस, बस थोड़ी सी ही दिख रही है। और अभी भी बहुत ज़्यादा गाइस गंदी है अपनी कार। और इससे तो गाइस मुझे तो नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि गाइस बिल्कुल भी अपनी कार साफ नहीं हो रही है इस गन से। तो गाइस मुझे वो गन तो लेनी ही पड़ेगी। तो विंडो पर देखते गाइस विंडो हो पाते हैं या फिर नहीं। अगर विंडो हो गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो गाइस मुझे वो गन 101% लेनी पड़ेगी, वरना अपने पास गाइस कुछ भी रास्ता नहीं है। और गाइस ऊपर वाला भी हिस्सा भी गाइस बिल्कुल भी क्लीन नहीं हो रहा है। तो गाइस मुझे लगता है कि हमें वो गन लेनी पड़ेगी। वो जो दूसरी गन है गाइस वो इसी कार को वॉश करने के लिए बनी है शायद से, उसको वो हमें लेना पड़ेगा, यानी कि कार्स को वॉश करने के लिए। और गाइस यहाँ पर विंडो तो गाइस थोड़े से ही क्लीन हो रहे हैं। तो देखते हैं गाइस क्लीन कितनी देर में हम पूरी पूरी ऊपर कार को, इस ओल्ड विंटेज कार को गाइस कर पाते क्लीन। तो गाइस ब्लैक बैक विंडो को भी हम एक बार देखते हैं कि वहाँ पर हो पाती है या फिर नहीं क्लीन। और गाइस थोड़ी सी क्लीन हो रही है, यानी कि इतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही है, बस थोड़ी सी गाइस क्लीन हो रही है। तो गाइस मुझे शायद से लेनी पड़ेगी वो गन। तो गाइस उतने पैसे भी है हमारे पास, तो कर ले लेते गाइस उसी गन को, वरना तो ये गाइस बस टाइम वेस्टिंग काम है। और गाइस टाइम वेस्ट होकर हो भी नहीं रहा है। और गाइस करते अब अपने अपने लेते हैं अपने न्यू गन को। और क्योंकि गाइस इस गन से तो बिल्कुल भी हेड लाइट्स भी गाइस हो नहीं रही है, तो गाइस उसी गन को हमें लेनी पड़ेगी। और गाइस हेड लाइट्स तक नहीं हो रहे गाइस, तो ये कार क्या हो पाएगी। तो अभी तो गाइस वो गन हमें लेनी पड़ेगी, जो न्यू गन है अपनी उसी गन को लेते गाइस और इसको क्लीन करते, क्योंकि इससे तो गैस हो नहीं पा रहा है बिल्कुल भी गैस। मैंने बहुत बार ये ट्राई कर दिया,
बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा है गाइस, यानी कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा, अगर होगा तो भी बहुत ज़्यादा दे रखेगी गाइस हमें, और इतनी वीडियो में लंबी बनाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको बोर करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ गाइस। तो गाइस जाकर जब तक हम न्यू गन लेते हैं तब तक गाइस जाकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लो, क्योंकि हम ऐसे न्यू वीडियोस डालते रहते हैं। तो और गाइस यहाँ पर हो ही नहीं रही कार अपनी बिल्कुल भी, और गाइस एक तो एक एक जगह पर लग कर भी गाइस बिल्कुल भी साफ नहीं हो रही अपनी कार। तो गाइस हमें क्या करना चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमें न्यू गन तो लेनी पड़ेगी गाइस कुछ भी हो जाए। और गाइस अपने पास उतने पैसे भी है तो ले लेते हैं अपनी न्यू गन, क्योंकि न्यू गन के गाइस बिना कुछ भी नहीं होने वाला। तो गन ले लेते हैं गाइस सबसे पहले तो, और ये रही गाइस निगन, और इस गन को गाइस ले लेते हैं सबसे पहले। और अब और ये देखो गाइस कितनी जल्दी क्लीन हो रही है अपनी बाय अपनी कार गाइस, अपने ओल्ड विंटेज कार अभी तक तो गाइस कुछ भी नहीं दिख रही थी, पर गाइस ये क्या इतना ज़्यादा प्रेशर, अभी तो गाइस चमक रही है अपनी कार, यानी कि 2 सेकंड के अंदर गाइस अपने हमारी कार चमक चुकी है इस गन से। मैंने आपसे कहा था ना गाइस इस न्यू गन को लेने के बाद ही अपनी कार ठीक होने वाले, यानी कि साफ होने वाले है। तो गाइस और देखो गाइस यानी कि ऑलमोस्ट बस 1 मिनट के अंदर गाइस हमने अपनी पूरी पूरी कार ओल्ड विंटेज कार को क्लीन कर दिया है। तो गाइस ऊपर से भी क्लीन कर देते हैं, और ये गाइस विंडो को भी हम ओपन ऊपर से गाइस क्लीन कर दिए अपने विंडो। और गाइस अभी क्या रह रहा है, और सारे सारे गाइस चीज़ें हो चुकी है, बस ये टायर रह रहा है, और इस टायर को भी गाइस एक बार कर लेते हैं। और गाइस ये देखो अपना फ्रंट व्यू, और क्या ही गाइस अपनी लग रही है अभी ओल्ड विंटेज कार, और गाइस पहले कैसे लग रही थी और अभी कैसे लग रही है गाइस। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से करना है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना।